हाय एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज नुक्कड़। तो बच्चे, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, दैट वाज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। उसके सारे कंसेप्ट को, सारे टॉपिक्स को वन बाय वन करके मैंने एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन किया था। आज के सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो दरअसल हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, हम इस चैप्टर में ये देखने वाले हैं कि हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें होती हैं, क्या वो प्योर होती हैं। हमारे आसपास में तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो क्या सारी की सारी चीज़ें प्योर हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर को स्टडी करना पड़ेगा और तब हमको इसका आंसर पता चलेगा। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम मिल्क लेते हैं, तो हम पैकेट वाला मिल्क लेना प्रीफर नहीं करते। क्यों प्रीफर नहीं करते हैं? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जो पैकेट वाला मिल्क आता है वो इम्प्योर होता है, उसमें मिलावट रहती है। एक्चुअली प्योरिटी जो होता है उसको हम गुडनेस से रिलेट करते हैं। प्योरिटी को हम गुडनेस से रिलेट करते हैं कि अगर कोई चीज़ प्योर है इसका मतलब वह अच्छी है, और अगर कोई इम्प्योर है तो वह हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम दूध लेने के लिए, जो हम दूध लेते हैं वह हम गाय या भैंस का जो ओपन में जो दूध मिलता है वहाँ जाके दूध लेके आना प्रिफर करते हैं, खुला हुआ दूध, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वह मिल्क प्योर होगा। वैसे ही जैसे कि हम घर पर कोई जूस बना रहे हैं, मान लो कोई ऑरेंज का जूस या फिर पपाया का जूस आप बना रहे हो, तो अगर आप उसको घर पे बनाओगे, अगर आप जूस को घर पे बनाओगे तो वह जूस प्योर होगा। क्यों प्योर होगा? क्योंकि वह घर पे नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलके बना है, उसमें हमने किसी भी तरह का आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला है, कोई आर्टिफिशियल शुगर उसमें ऐड नहीं किया है, किसी भी तरह का हमने एडल्ट्रेशन नहीं किया है। तो अगर किसी भी चीज़ में एडल्ट्रेशन नहीं है, यानी कि बाहर से हमने कोई भी आर्टिफिशियल सब्सटेंस उसमें ऐड नहीं किया है, इसका मतलब वह प्योर है। वहीं अगर हम ग्रॉसरी शॉप पे जूस लेने जाते हैं तो उसका जो पैकेट होता है उस पर हम लिखा हुआ देखते हैं कि ये जो जूस है वह नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलके बना हुआ है। वहीं नीचे उसमें लिखा होता है कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, कलर ऐड किया हुआ है और उसमें आर्टिफिशियल शुगर ऐड किया जाता है, तो इसका मतलब वह जो जूस है वह इम्प्योर है। तो हम डेली लाइफ में प्योरिटी और इम्प्योरिटी को गुडनेस से रिलेट करते हैं। ठीक है, जो हमारी डेली लाइफ होती है उसमें हम कोई चीज़ प्योर है या फिर कोई चीज़ इम्प्योर है उसको गुडनेस से रिलेट करते हैं। वहीं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर और इम्प्योर बिल्कुल डिफरेंट है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर और इम्प्योर बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है कि केमिस्ट्री में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ प्योर है, केमिस्ट्री में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ प्योर है इसका मतलब वह एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। अगर कोई चीज़ प्योर है तो वह एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। वहीं अगर कोई चीज़ इम्प्योर है तो इसका मतलब यह है कि वह दो या दो से अधिक पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो केमिस्ट्री में, अब हम थोड़े बड़े हो गए तो थोड़े हाई लेवल पे स्टडी करेंगे कि प्योर और इम्प्योर क्या होता है। तो डेली लाइफ में जो प्योर और इम्प्योर होता है वह अलग तरह से हम देखते हैं, लेकिन केमिस्ट्री का जो प्योर इम्प्योर है वह कुछ अलग टाइप का है। वही हम इस चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे कि प्योर कैसे होता है, इम्प्योर कौन सी चीज़ें होती हैं, किस तरह से हम उनको सेपरेट करते हैं, ये सारे टॉपिक्स को वन बाई वन करके हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, आज के सेशन में हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो चलिए देख लेते हैं कि आगे आने वाले सेशंस में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। आज का ये सेशन इंट्रोडक्टरी सेशन है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम आगे आने वाले सेशंस में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन, कि मैटर को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो मैटर क्या होता है, सबसे पहली बात तो आती है कि जो हम चैप्टर 1 में पढ़े थे, मैटर क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसका मास हो और वॉल्यूम हो, यानी कि कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको हम मैटर कहते हैं। तो मैटर को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है, मैटर को किस तरह से क्लासिफाई किया है। तो हमने पढ़ा कि जो मैटर है वह टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है। मैटर टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है। ये टाइनी पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये टाइनी पार्टिकल्स या तो एटम होते हैं, या तो एटम होते हैं, या फिर क्या होंगे, या फिर मॉलिक्यूल होंगे, या फिर
मॉलिक्यूल होंगे। तो जो मैटर है वह एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। अब मैटर को प्योर सबस्टेंसेस एंड इम्प्योर सबस्टेंस या फिर मिक्सचर में क्लासिफाई किया है। प्योर सबस्टेंस में हम पढ़ने वाले हैं कि एलिमेंट एंड कंपाउंड क्या होते हैं, तो ये दोनों ही कैटेगरी किसके अंदर आती है, प्योर सबस्टेंसेस के अंदर आती हैं। मिक्सचर में हम पढ़ने वाले हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर, ये हम पढ़ेंगे मिक्सचर में। मिक्सचर को हम इम्प्योर सबस्टेंस भी बोल सकते हैं, मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर सबस्टेंस, इसको हम इम्प्योर सबस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो जो प्योर सबस्टेंस है वो क्या होते हैं, ऐसे सबस्टेंस या ऐसी कोई चीज़ जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बनी हो, ऐसी कोई भी चीज़ जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बनी होती है, जैसे कि गोल्ड। गोल्ड क्या है, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, तो गोल्ड क्या है, हमारा प्योर सबस्टेंस है, इसीलिए गोल्ड इतना महंगा है। दूसरा मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है, जब हमने प्योर देखा कि प्योर क्या है कि एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके कोई चीज़ बनी है तो वह प्योर सबस्टेंस है। तो इम्प्योर सबस्टेंस क्या होगा कि ऐसी कोई भी चीज़ जो दो या दो से अधिक पार्टिकल से मिलके बनी हो उसे हम बोलेंगे इम्प्योर या फिर मिक्सचर, ठीक है। चलिए अब वन बाय वन करके हम इनका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, बाकी डिटेल में हम जब चैप्टर पढ़ेंगे, जब चैप्टर में वन बाय वन करके मैं टॉपिक्स को क्लियर करूंगी उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेंगे हर एक टॉपिक का कि हम किस टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है प्योर सबस्टेंसेज। तो प्योर सबस्टेंस क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि अगर कोई भी सबस्टेंस एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना हो तो उसे हम बोलते हैं प्योर सबस्टेंस। और एक खास बात यह होती है प्योर सबस्टेंस में कि अगर कोई सबस्टेंस प्योर है तो उसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसे हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बच्चे कि अगर जैसे मान लो आपके पास में गोल्ड है, तो गोल्ड को आपने हथौड़े से पीट पीट के तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद ऐसा तो है नहीं कि अंदर से कुछ सिल्वर निकल के आएगा या कॉपर निकल के आएगा, गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल्स रहेंगे, चाहे आप उसको कितना ही पीट लो, आप गोल्ड को कितना ही हथौड़े से पीट लो, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो है गोल्ड के ही पार्टिकल्स रहेंगे। यानी कि जो हमारा सबस्टेंस है वह अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता है। तो ये होता है हमारा प्योर सबस्टेंस। अगर कोई चीज़ प्योर है इसका मतलब वह एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बनी हुई है और उसको फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। प्योर सबस्टेंसेस के एग्जांपल हैं जैसे कि गोल्ड, गोल्ड को हम Au से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर, सिल्वर, वाटर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब क्या हैं, प्योर सबस्टेंसेस के एग्जाम्पल हैं। ये सब एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। अब आप बोलो कि मैं जो वाटर है वह तो दो तरह के पार्टिकल से मिलके बना है, जो वाटर है वह तो दो तरह के पार्टिकल से मिलके बना है, इसमें तो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो बच्चे ये जो है H2O, H2O क्या है, H2O है वाटर का केमिकल फॉर्मूला, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ये क्या है, मॉलिक्यूल। और AU, AG, CU ये सब क्या है, ये सब हैं एटम, ये सब है एटम। तो या तो कोई चीज़ एटम से मिलके बनी होगी या फिर कोई चीज़ मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई है। तो अगर कोई चीज़ सिर्फ एटम एटम से मिलके बनी हुई है तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि उसको हम एलिमेंट की कैटेगरी में आता है, और अगर कोई चीज़ मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है तो वह कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। और एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही प्योर सबस्टेंस की कैटेगरी में आते हैं। चलिए हमने देखा प्योर सबस्टेंसेस के अंदर दो तरह की कैटेगरी आती है, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। तो एलिमेंट सबस्टेंस क्या होते हैं, एलिमेंट का मतलब है कि ऐसे सबस्टेंस जो एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो गोल्ड है वह प्योर माना जाता है, प्योर क्यों माना जाता है, क्योंकि वह एक ही तरह के एटम से मिलके बना है। AU क्या है, एटम है, हमारे टोटल 118 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं बच्चे, 118 एलिमेंट हैं। अब इनको लर्न करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, इनको लर्न करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए एलिमेंट को भी हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। थ्री कैटेगरी कौन कौन सी हैं, एक है मेटल, एक होता है मेटल, दूसरा नॉन मेटल, नॉन मेटल, और तीसरा
मेटेलॉइड, तीसरा मेटेलॉइड्स, ठीक है। तो हमने एलिमेंट को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। इनको हम चैप्टर में अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, यानी कि जो मेटल है वह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो एलिमेंट को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। तो इनमें से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरली बने हुए हैं और कुछ को हमारे साइंटिस्ट ने बनाया है। तो आपको समझ में आया कि एलिमेंट के अंदर क्या होता है, ऐसे सबस्टेंस जो एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं और यह मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड भी प्योर सबस्टेंस की कैटेगरी में आता है, जैसे कि वाटर, जैसे कि प्योर वाटर। हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, मिनरल वाटर की बात नहीं कर रहे हैं। उसमें हमने किसी भी तरीके का कोई मिनरल ऐड नहीं किया है, किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटी अगर उस वाटर में नहीं है तो वह हमारा प्योर वाटर माना जाएगा। अब हमने इसको कंपाउंड क्यों बोला? कंपाउंड हमने इसलिए बोला क्योंकि जो हमने एलिमेंट पढ़ा था उसमें हम पढ़े थे कि अगर कोई सबस्टेंस एक ही तरह के एलिमेंट से, सॉरी, अगर कोई सबस्टेंस एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो तो वह हमारा प्योर सबस्टेंस होता है, वह एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। लेकिन यहाँ पे ये जो बना हुआ है वाटर वह दो तरह के एलिमेंट से मिलके बना है। कौन कौन से हैं? एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। एक तो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से मिलके ये बना हुआ है। दोनों ने मिलके बना दिया H2O। दोनों ने मिलके क्या बना दिया? H2O बना दिया। H2O को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? मॉलिक्यूल। जो एटम है, जो एलिमेंट है उसको हमने एटम बोला था, लेकिन जो H2 है वह क्या है? मॉलिक्यूल है। तो अगर कोई सबस्टेंस एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बना हो, तो वह कंपाउंड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन दो तरह के एटम यूज हो रहे हैं। जैसे कि अमोनिया में क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो तरह के कंपाउंड यूज हो रहे हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड, एक सोडियम यूज हो रहा है और एक क्लोराइड यूज हो रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब है बेटा मॉलिक्यूल। ये सब क्या है? मॉलिक्यूल है। और नाइट्रोजन, सिर्फ अगर हम नाइट्रोजन लें तो नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एटम है, लेकिन जो NH3 है वह क्या है? वह मॉलिक्यूल है। जैसे कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन क्या है? एक एटम। ऑक्सीजन क्या है? एटम। लेकिन दोनों ने मिलके क्या बनाया? मॉलिक्यूल बनाया। तो अगर कोई सबस्टेंस एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बना हो तो वह किसकी कैटेगरी में आएगा? वह हमारा कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। समथिंग दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर थिंग्स और सबस्टेंसेस कंबाइंड टूगेदर, अगर कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा एटम से मिलके बनी हुई है तो वह कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में मिल्क का एग्जांपल दिया था, है ना? हमने मिल्क का एग्जांपल देखा था कि जो हमारा मिल्क होता है, जो पैकेट वाला मिल्क होता है, उसको हम इम्प्योर समझते हैं, लेकिन जो हम तबेले से दूध लेके आते हैं उसको हम प्योर समझते हैं। तो वो तो हमारा जो डेली लाइफ में जो रूटीन होता है प्योर इम्प्योर को कैटेगराइज करने का गुडनेस के बेस पर, वो अलग होता है, लेकिन केमिस्ट्री में अलग तरह से हम देखते हैं। तो जो हमारा मिल्क होता है वह देखने में तो हमको प्योर लगता है, एकदम वाइट कलर का बढ़िया लगता है कि हाँ ये तो प्योर मिल्क होगा, लेकिन जो हमारा मिल्क है बच्चे वह प्योर नहीं होता है। अब आप बोलोगे कि मैम मिल्क कैसे प्योर नहीं होता? मिल्क तो प्योर होता है, जो हम भैंस का दूध सामने से निकलवा के ला रहे हैं वह तो प्योर ही माना जाएगा। लेकिन नहीं, वह मिल्क प्योर नहीं होता है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर इम्प्योर का मतलब अलग है, जो मैंने आपको बताया। तो हमारा मिल्क प्योर कैसे नहीं है? तो बेटा मिल्क प्योर इसलिए नहीं है क्योंकि मिल्क एक से ज़्यादा तरह के सबस्टेंसेस से मिलके बना है। जो पार्टिकल्स हैं वह एक से ज़्यादा तरीके से हैं। कैसे हैं? जो मिल्क रहता है उसमें क्या क्या होता है? उसमें वाटर रहता है। मिल्क में वाटर के पार्टिकल्स होते हैं। और क्या होता है मिल्क में? फैट होता है। मिल्क में फैट भी होता है। और क्या होता है मिल्क में? होता है कैल्शियम। मिल्क में कैल्शियम होता है। और क्या होता है? नेचुरल शुगर, मिल्क एंजाइम्स, प्रोटीन।
बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मिल्क फिर प्योर कैसे हुआ, मिल्क प्योर कैसे हुआ, इसका मतलब यह है कि मिल्क तो प्योर नहीं है, क्योंकि मिल्क तो दो या दो से अधिक कंपोनेंट या फिर दो या दो से अधिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिल्क है वह है प्योर नहीं होता है। तो बच्चों आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको मम्मी को जाके बोलना है कि मम्मी ये जो मिल्क हम पी रहे हैं ये तो इम्प्योर है, ये तो हमारे लिए अनहेल्दी है, इसको हम नहीं पी सकते हैं। तो बच्चे जो प्योर इम्प्योर जो डेली बेसिस पे रहता है वह अलग रहता है, वह गुडनेस से रिलेट होता है, लेकिन यहाँ पे प्योर इम्प्योर का मतलब कुछ अलग है, तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो जो हमारा मिल्क है वह है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इम्प्योर माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं मिक्सर। तो मिक्सर या फिर इम्प्योर सबस्टेंस, तो इम्प्योर सबस्टेंस क्या होते हैं, ऐसे सबस्टेंस जो दो या दो से अधिक पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के पार्टिकल्स को ऐड किया जाता है, उसे हम बोलते हैं मिक्सर। जैसे कि मान लो आप चाय लवर हो, ठीक है, आपको चाय पीने का मन कर रहा है, तो जब आप चाय बनाओगे तो आप उसमें कितने सारे सबस्टेंसेस को ऐड करोगे, आप उसमें वाटर ऐड करोगे, फिर उसमें आप चाय पत्ती डालोगे, आप उसमें शुगर ऐड करोगे, जिंजर या फिर इलायची जो भी आपको पसंद है वो डालोगे, फिर आप उसमें मिल्क ऐड करोगे, तो कितने सारे सबस्टेंसेस को ऐड करके आपने चाय बनाई। तो चाय कैसा सबस्टेंस हुआ, चाय एक इम्प्योर सबस्टेंस हुआ, ठीक है। तो इम्प्योर का मतलब क्या है या फिर मिक्सर का मतलब क्या है, मिक्सर का मतलब है कि अगर कोई सबस्टेंस दो या दो से अधिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है तो उसको हम इम्प्योर या फिर मिक्सर बोलते हैं। जैसे कि हमारी एयर, हमारी एयर क्या है, हमारी एयर मिक्सर है। मिक्सर कैसे है, क्योंकि एयर में बहुत तरह की गैसेस पाई जाती हैं। एयर क्या है, मिक्सर ऑफ गैसेस। एयर क्या है बच्चे, मिक्सर ऑफ गैसेस। गैसेस का जो मिक्सर है उसी को हम बोलते हैं एयर। जो हमारा सी वाटर होता है, सी वाटर भी इम्प्योर होता है, क्योंकि सी वाटर में सॉल्ट रहता है, वाटर रहता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, तो सी वाटर भी कैसा है, मिक्सर है। इंक क्या है, मिक्सर है। सैंड भी मिक्सर है, क्योंकि सैंड में भी कई तरह के पार्टिकल्स ऐड रहते हैं। तो मिक्सर आपको समझ में आया, मिक्सर क्या होता है, कोई भी सबस्टेंस जो दो या दो से अधिक पार्टिकल से मिलके बना हो उसे हम मिक्सर या फिर इम्प्योर सबस्टेंस कहते हैं। मैटर विच आर मेडअप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स, दीज कैन बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मेथड लाइक हीटिंग, यूजिंग फिल्टर पेपर एटसेट्रा। जो मिक्सर है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, उसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने वाटर में सॉल्ट ऐड कर दिया, आपने क्या किया, वाटर के अंदर आपने सॉल्ट ऐड कर दिया, तो क्या अब आप सॉल्ट को वाटर से अलग कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि मैम हमने वाटर में सॉल्ट ऐड किया है, तो सॉल्ट तो उसमें डिजॉल्व हो गया, डिजॉल्व हो गया तो हमको तो दिखाई नहीं दे रहा कि उसमें सॉल्ट भी है, तो अब हम उसको सेपरेट कैसे करें। तो बच्चे हम उसको बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट कर सकते हैं, हीटिंग से। हीटिंग से हम क्या करेंगे, हमने जिस वाटर में सॉल्ट ऐड किया है उसको हमको गैस स्टोव पर रख देना है, गैस ऑन करना है और चला के छोड़ देना है, तो जो वाटर है वह तो वेपर बन के उड़ जाएगा, वह तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारा सॉल्ट है वह हमारा जो भी बर्तन रहेगा उसमें रह जाता है। तो इस तरह से हम सॉल्ट को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। तो जो मिक्सर है उसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो प्योर सबस्टेंसेस होते हैं उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो जो मिक्सर होता है उसको भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो होमोजीनियस मिक्सर ऐसा मिक्सर होता है जिसमें जो अलग अलग सबस्टेंसेस के जो पार्टिकल्स हैं वह उनका जो कंपोजिशन होता है वह यूनिफॉर्म होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपने वाटर में शुगर ऐड किया, तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि जो शुगर है वह वाटर में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाती है, तो क्या अब आप शुगर को वाटर से अलग कर सकते हो। यानी ऐसा तो है नहीं कि हमने हाथ से शुगर को उठाया वाटर में से और हमने अलग कर लिया, इस तरह से हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। अलग कर सकते हैं हम हीटिंग से, उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन हम उसको फिजिकली जैसे कि हमने हाथ से उठा के हम उसको अलग नहीं कर सकते। हमने वाटर में सॉल्ट ऐड किया तो हम उसको भी इस तरह से अलग नहीं कर सकते हैं, या फिर हनी ऐड किया तो उसे भी अलग नहीं कर सकते।
तो जो मिक्सर होता है, होमोजीनियस जो मिक्सर होता है, उनका जो कंपोजिशन होता है वह यूनिफॉर्म होता है, वह एक दूसरे में अच्छे से डिजॉल्व रहते हैं, एक दूसरे के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर। जैसे कि एयर, माउथ वॉश, हैंड वॉश, टी, रेन वाटर, शुगर वाटर, ये सब क्या हैं? सब होमोजीनियस मिक्सर के एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे देखते हैं होमोजीनियस मिक्सर में सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस मिक्सर के अंदर आता है हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किससे मिलकर बनाता है? सॉल्यूशन में एक तो होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है हमारा सॉल्यूट। दोनों से मिलके बना हुआ होता है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्वेंट जैसे कि वाटर और शुगर का एग्जांपल दिया, तो सॉल्वेंट क्या है उसमें? वाटर। और सॉल्यूट क्या हो जाएगा? हमारा शुगर। शुगर क्या रहेगा? सॉल्यूट। तो ये हम चैप्टर में अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, किस तरह से सॉल्यूशन बनता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अ सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल नींबू पानी। जैसे आपने नींबू पानी बनाया, तो नींबू पानी क्या है? एक तरह का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि उसमें हमने कई सारी चीज़ों को ऐड किया है और वो एक दूसरे के अंदर अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं, इसलिए जो नींबू पानी है वह सॉल्यूशन होता है। सोडा वाटर इज ऑल्सो सॉल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आगे हम देखेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सर। हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सर क्या था? ऐसा मिक्सर जिसका जो कंपोजिशन होता है वह यूनिफॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस क्या हो जाएगा? यानी कि ऐसा मिक्सर जिसके जो पार्टिकल्स हैं, जो अलग अलग सब्सटेंसेस के जो पार्टिकल्स को जब हम मिक्स करेंगे तो उससे जो मिक्सर बनता है उसका जो कंपोजिशन होता है वह नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसका मतलब यह कि वह उसमें पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होते हैं। जैसे कि आपने लिया वाटर, ठीक है, आपके पास में है वाटर और आपने उसमें सैंड ऐड कर दिया। अब आप सैंड को कितना ही स्टेयर कर लो, कितने ही घोलने की कोशिश कर लो, क्या सैंड वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा? सैंड वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं क्या, सैंड को और वाटर को? तो बिल्कुल हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। हम पानी को अलग कर सकते हैं और जो मिट्टी है उसको हम अलग कर सकते हैं। तो वह कैसा मिक्सर हुआ? उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर, यानी कि जिसमें सबस्टेंसेस पूरी तरह से एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होते हैं, उसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर। जैसे कि हमने पानी में ऑयल को ऐड कर दिया, हमने क्या किया, पानी में ऑयल ऐड किया, तो आप क्या देखोगे कि जो ऑयल है वह ऊपर ऊपर तैरता रहता है और जो हमारा पानी है वह तो नीचे रहता है, यानी कि जो ऑयल है वह पानी में डिजॉल्व नहीं हो रहा है। जैसे कि सैंडविच, आपको सैंडविच बहुत पसंद होगी, है ना, बहुत अच्छी होती है। तो सैंडविच में क्या करते हैं, हम ब्रेड लेते हैं और क्या करते हैं उसमें, हम टोमेटो डालेंगे, उसके अंदर हम कैबेज डालते हैं, अनियन डालते हैं, चीज़ डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। तो हम उसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, हम चीज़ को अलग कर सकते हैं, अनियन को अलग कर सकते हैं, टोमेटो को अलग कर सकते हैं, जो चीज़ हमें पसंद नहीं आई उसको हमने निकाल के फेंक दिया। ऐसा क्या हम नींबू पानी के अंदर कर सकते हैं कि नींबू पानी के अंदर बाई चांस हमने सॉल्ट ऐड कर दिया और किसी को सॉल्ट पसंद नहीं है, तो क्या आप उसमें से सॉल्ट को निकाल के अलग कर दोगे? आप उसको निकाल के अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह होमोजीनियस मिक्सर है। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सर में हम सेपरेट कर सकते हैं। अ मिक्सर विच हैज़ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, ऐसा मिक्सर जिसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट रहते हैं और वो एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हो सकते हैं, उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर। अब हम हेट्रोजीनियस मिक्सर के अंदर पढ़ेंगे सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सर। सस्पेंशन कैसा है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सर है इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास में है मिट्टी और पानी, तो हम मिट्टी को अलग कर सकते हैं और पानी को अलग कर सकते हैं, वो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कोलोइडल। कोलोइडल क्या होता है? अ मिक्सर विच हैज़ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, इसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट पाए जाते हैं और जो एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकते हैं, वो क्या है? कोलोइडल। इसमें हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट। इसमें हम पढ़ेंगे क्या? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है?
तो कभी आप अगर डेंस फॉरेस्ट में जाओगे तो आप क्या देखोगे कि वहाँ पे जो रोशनी आती है डेंस फॉरेस्ट के अंदर, जो सन की लाइट आती है, तो उसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देंगे, उसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देंगे। वह क्यों दिखाई देते हैं, किस तरह से दिखाई देते हैं, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, हमको डस्ट पार्टिकल्स क्यों दिखाई देते हैं। तो आपको समझ में आया कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कैसे कैसे कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन से हम इस चैप्टर के टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैटर को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, प्योर सबस्टेंस, इम्प्योर सबस्टेंस, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए द नॉलेज नुक्कड़ के साथ। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए बने रहिए द नॉलेज नुक्कड़ के साथ।